लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम आईपी एड्रेस से पहले हम थोड़ा बाइनरी सिस्टम बेसिक्स देख लेंगे। ये पार्ट शायद गेट में आपको जरूरत रहेगी, ये पार्ट मैंडेटरी इसलिए रहेगा बिकॉज इसके बेसिस पे आप जो सम सॉल्व करने होंगे वो कर पाओगे इजिली। सो लेट अस सी, यहाँ पे बाइनरी सिस्टम फर्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क से सम सॉल्व करने हैं तो आपको 2 के पावर्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहना होगा। लाइक 2 के पावर्स में इन द सेंस कि अगर हम देखते हैं 2 पावर 1 इट इज 2, ओके, एंड 2 पावर 2 इट इज 4, 2 पावर 3 इट इज 8 एंड सो ऑन, एंड 2 पावर 10 इट इज 1024। तो यहाँ पे 1024 को हम बोलते हैं K, देन 2 पावर 20 इट इज M, 2 पावर 30 इट इज G, G मीन्स गीगा, एंड 2 पावर 40 इट इज टेरा। यहां तक आप याद रखते हो, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसके साथ एक और पार्ट है, दैट इज बिट्स। बिट्स को समझना, बिट्स को हम किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये बेसिक्स है आईपी एड्रेस स्टार्ट करने से पहले। सो बिट्स, लेट अस कंसीडर हमारे पास 1 बिट है। तो ये 1 बिट क्या होती है, 1 बिट हम किस तरह से कहते हैं, इट इज 0 और 1, ओके। अगर हमारे पास 2 बिट है तो 2 बिट किस तरह से होगी, इट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ओके। एंड अगर 3 बिट है तो 3 बिट किस तरह से होगी, इट विल बी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 and 0 1 1 and it is 0 sorry it is 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, okay। 1 बिट 2 बिट एंड 3 बिट, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल बिट्स किस तरह से बनती है इसमें, तो यहाँ पे अगर हम 1 बिट है तो 2 पावर 1 इट इज 2, यानी कि जो भी बिट्स है इसको हम 2 के पावर में रख देंगे, तो यहाँ पे 2 पावर 1 इट इज 2। यहाँ पे 2 बिट्स है तो 2 पावर 2 इट इज 4, तो यहाँ पे हमें 4 बिट्स मिलती है। 2 पावर 3 इट इज 8, यहाँ पे 8 बिट्स हमें मिल रही है। तो अगर सपोज मैं एक बिट को लेता हूं, ये लेट अस कंसीडर यहां पे हम 2 बिट को ले लेते हैं, और यहां पे अगर ये 2 बिट को मैं एक पर्टिकुलर बिट को मैं सिलेक्ट करता हूं, एक बिट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, लेट अस कंसीडर ये फर्स्ट बिट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही मैं फर्स्ट बिट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट कौन सा होगा, 0 0 वाला, और दूसरा होगा 1 1 वाला। तो अगर मेरे पास 2 बिट नंबर है और 2 बिट नंबर है, 3 बिट डजंट मैटर, आपके पास अगर बिट्स है उसमें से अगर फर्स्ट बिट आप 1 बिट सिलेक्ट करते हो तो आप पूरे बिट्स को या पूरे टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, एक होगा 0 0 और एक होगा 1 1 वाला। अगर हम ये चीज यहां अप्लाई करें तो यहां पे भी लेट अस सी, अब ये पार्ट को हम देखें तो ये पार्ट में भी अगर मैं फर्स्ट बिट सिलेक्ट करता हूं तो फर्स्ट बिट सिलेक्ट करूंगा तो 0 0 वाला पार्ट और 1 1 वाला पार्ट दोनों सिलेक्ट होगा। तो यहां पे अगर मैं 1 बिट सिलेक्ट करता हूं तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं 2 पावर 1, तो ये क्या है, मैं कितने बिट सिलेक्ट कर रहा हूं, ये जो पावर है वो क्या है, कितने बिट्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। देन अगर मैं 2 पार्ट सिलेक्ट करता हूं, 2 बिट सिलेक्ट करता हूं, तो 2 बिट सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे क्या होगा कि ये तो सिलेक्टेड है ही, बाद में यहां पे और एक सिलेक्शन आ जाएगा, यानी कि ये पार्ट हो जाएगा 0 0 वाला, बाद में ये 0 1, बाद में ये 1 0 वाला, और ये होगा 1 1 वाला पार्ट, मैंने 2 बिट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो 2 बिट को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे टोटल पार्ट कितने हो जाते हैं, 4, ओके। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई हो सकती है, यहां पर अगर मैं 2 बिट सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर टोटल यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है, तो 4 है तो पूरे को ही वो फिल्टर कर देगा, यूनिक हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 बिट सिलेक्ट करता हूं तो 3 बिट सिलेक्ट करने पे मुझे कितने पार्ट्स मिलते हैं, 8 पार्ट्स, तो यहां पे क्या होगा, सारे पार्ट्स यूनिक हो जाएंगे बाद में।
बिकॉज टोटल 8 है यहाँ पे, टोटल 8। नाउ अब ये बेसिक्स था। अब सपोज मेरे पास है एक नंबर, उसमें है n बिट्स, ओके n बिट्स है, तो n बिट्स होगी तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे, 2 पावर n, जैसा कि हमने देखा था 2 रेस टू 1, जितने भी बिट्स वाला नंबर होगा तो यहाँ पे 2 के पावर में रख देंगे, टोटल कितने हैं 2 पावर n। नाउ अगर मैं इस n बिट्स को k पार्ट में डिवाइड करता हूँ, k पार्ट में डिवाइड करता हूँ, दैट मींस कि यहाँ पे अगर मैं इसको k पार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे हम एक बिट सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे मैं k बिट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके तो k बिट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे कितने पार्ट्स हो रहे हैं, लेट अस कंसिडर यहाँ पे मैंने एक बिट सिलेक्ट किया था तो मेरे कितने पार्ट्स हुए थे 2 पावर k, यहाँ पे 2 बिट सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे 3 सिलेक्ट किए थे, अगर मैं k बिट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे कितने पार्ट्स होंगे 2 पावर k, ओके। अब मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट की साइज फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, यहाँ पे मेरे पास है 2 पावर k पार्ट्स है, ओके ये हमारे पास पार्ट्स है, दिस इज नॉट साइज, ये क्या है हमारे पास 2 पावर k पार्ट्स है, तो 2 पावर k पार्ट्स में टोटल हमारा कितना होता है, यानी कि अगर मैं ये चार पार्ट्स होते हैं या फिर 8 पार्ट्स होते हैं तो 8 पार्ट्स में मेरे पूरे 8 आ जाते हैं, तो यहाँ पे 2 पावर k पार्ट्स है तो मेरे टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे 2 पावर n, यानी कि ये पार्ट्स को अगर मैं सम अप करता हूं तो यहाँ पे मेरे 2 पावर n सब आ जाएंगे, ओके तो एक पार्ट की साइज क्या होगी, यहाँ पे 2 पावर k पार्ट्स की साइज क्या है 2 पावर n, यानी कि टोटल ऑफ 8, अगर मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स है तो 2 पावर 3 क्या होगा 8, तो 8 ही हमारा टोटल नंबर है, ओके यहाँ पे तो 1 पार्ट की साइज क्या होगी, ओके हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 पार्ट की साइज क्या होगी, इट विल बी 2 पावर n अपॉन 2 पावर k एंड 2 पावर n माइनस k, सो एक पार्ट की साइज क्या होगी 2 पावर n माइनस k है। अब ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी, ये जो बिट्स है तो बेसिकली ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ये आईपी एड्रेस है, ओके दिस वाज आईपी एड्रेस, और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कहा था कि आईपी एड्रेस किस तरह से डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी होती है और होस्ट आईडी होती है, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक आईपी एड्रेस है और वो n बिट्स का है, बेसिकली 32 बिट्स का होगा, और अगर उसमें कुछ पार्ट नेटवर्क आईडी का चला जाता है, जैसे कि 2 पावर 8 नेटवर्क आईडी के लिए, तो बाकी का जो होगा, जैसे कि 32 में से अगर हम 8 निकाल देते हैं तो रहता कितना है हमारे पास 2 पावर 26, तो ये जो 2 पावर 26 होगा वो किसके लिए होगा, होस्ट आईडी के लिए होगा, तो ये यहाँ पे काम आएगा हमें, यानी कि अगर मेरे पास 2 पावर n यानी कि 32 बिट्स है टोटल, और उसमें से मैं अगर k पार्ट्स यानी कि 2 पावर 8 पार्ट्स निकाल देता हूं नेटवर्क आईडी के लिए, नाउ मेरे पास कितने पार्ट्स रह जाते हैं, तो किस तरह से फाइंड करूंगा मैं n माइनस k, तो 32 माइनस 8 मेरे पास क्या आएगा, ओके सॉरी इट इज 24, 32 माइनस 8 मेरे पास क्या आएगा 2 पावर 24, तो 2 पावर 24 ये क्या है होस्ट आईडी के लिए, सो इसके लिए बिट्स का एक्सप्लेनेशन जरूरी था। नाउ आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस एंड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस ए बी सी डी ई जो भी आपने अभी तक सुना हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।